सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूबर अरमान मलिक की। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंगर अरमान मलिक है नाराज़ यूट्यूबर अरमान मलिक से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यूट्यूबर अरमान मलिक ने उनका नाम यूज़ किया है, जिसकी वजह से सिंगर अरमान मलिक को काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होता है। तो इस बात पर भड़की हैं यूट्यूबर अरमान मलिक की दोनों बीवियाँ। जी हाँ, पायल और कृतिका मलिक दोनों बहुत नाराज़ हैं अरमान मलिक के ऐसा कहने पर। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जितनी भी मेहनत की है वो हम तीनों ने की है, मतलब मोस्ट ऑफ अरमान जी की मेहनत है कि हम लोग आज इस मीडिया में मुकाम आते हैं, कि मीडिया लोग मीडिया हमें जानती है, हमारे बारे में छापती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत है, हमें पीछे से ये रियासत में नहीं मिली है। पे आप मेरा नाम मिसयूज करते हैं। ये बिल्कुल इस चीज के बारे में मैं यही बोलूंगी कि हमने कल भी व्लॉग में भी बोला था, मिसयूज करना ये होता है कि अगर हम कोई चीज कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें अरमान मलिक का पोस्टर लगा रहे हैं और अरमान जी हमारे जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं, या हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं उनका पोस्टर लगा के। हमारी आज तक मिलियंस ऑफ वीडियोस है, पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, हर जगह प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोगों ने आज तक अरमान मलिक सिंगर की कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं करा। तो मेरे हिसाब से मिसयूज तो 0%। तो अब बात करते हैं संभावना सेठ की। तो संभावना सेठ ने आज के व्लॉग में ये बताया कि कुछ उनकी लाइफ के ऐसे लोग हैं जिन्हें ना वो अपने कभी व्लॉग में लाएंगी और ना ही कभी अपनी लाइफ में दोबारा लाएंगी। उन्होंने नाम तो रिवील नहीं किया, पर हमें नसीहत देते हुए ऐसा कहा कि हमें उन लोगों के साथ कट ऑफ कर देना चाहिए जो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं या हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आप नाम मेंशन करते हुए मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि वो लोग आप मेरी लाइफ में कभी भी गलती से, जो आपने पुराने व्लॉग्स में इंडस्ट्री के कुछ लोग देखे होंगे, वो मेरे व्लॉग्स में आप आगे कभी जिंदगी में नहीं देखोगे। आप अटकलें लगाते रहो लाइफ में किसी ऐसे इंसान को जिससे आप दोस्ती करना चाह रहे हो या हो गई है, लेकिन उसके बाद आपको मिलके ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे दिल से तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या मैं, मेरे को रखना सोशली बहुत जरूरी है इससे दोस्ती। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको वो दोस्ती से आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, आपको नेगेटिविटी आ रही है, बहुत गलत फील हो रहा है, आपको बहुत नीचा फील करा रहा है वो इंसान, तो वो दोस्ती कभी मत रखना। ये बात कहते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव ने ले ली है पोर्श। आइए देखते हैं वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।